हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं आपकी पूजा आई हूँ आज एक नई वीडियो के साथ आप लोग के सामने। आज एक्चुअली मैं व्लॉग के स्टार्टिंग नाइट से करने जा रही हूँ, बिकॉज कल है जन्माष्टमी। आप सभी को पता होगा, एडवांस में बताइए आप लोगों को। तो हम लोग अभी लगा रहे हैं जन्माष्टमी के लिए मेहंदी। तो मैं आपको जन्माष्टमी का पूरा व्लॉग आज शाम से ही दिखाऊंगी। आज शाम से कल तक का पूरा सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी, जो जो हम लोग करते हैं, और बाकी बाहर का भी माहौल दिखाऊंगी किस तरीके से बाहर हो रखा है जन्माष्टमी का रश। तो अभी बज रहा है शाम के 9। तो अभी हम लोग खाना पीना खा के बस बैठ गए हैं, मेहंदी वगैरह लगाते हैं। और गाइस, मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगी क्योंकि आज का व्लॉग मैं कुछ भी नहीं डाल पाई, क्योंकि सुबह से इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल था। एक तो कल पूजा थी हमारे घर में, तो हम लोग बहुत थके हुए थे, और सुबह से कपड़े वगैरह धोना, एक ही दिन मेरी छुट्टी होती है, एक दिन में मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं, कपड़े वगैरह धुलना ये सब कुछ, तो मुझे ब्लॉग शूट करने का टाइम भी नहीं मिला। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। थोड़ा हम लोग मार्केट भी चले गए थे, मैं और मम्मी, कुछ सामान वगैरह लेना था, जन्माष्टमी की शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो वहाँ पर इतनी भीड़ थी तो मैं आपको दिखा नहीं पाई थी गाइस कुछ भी। तो चलो चलते हैं अभी और दिखाते हैं बाहर। कुसुम को हमने बुला रखा है मेहंदी लगाने के लिए, हमारी जो किराएदार है, पहले भी आप लोग उससे मिले हैं, वही लगा रही है मेहंदी। चलो दोस्तों दिखाते हैं आपको। हेलो, क्या चल रहा है? टीवी चल रही है और यहाँ मेहंदी लग रही है, कुसुम लगा रही है। कुसुम, बहुत टाइम बाद व्लॉग में आ रही हो, हाय तो बोल दो ऑडियंस को। इसके थोड़ी बीच में तबीयत खराब हो गई थी ना, तो मैं इसे ले नहीं पाई थी। ये देखो कितनी प्यारी मेहंदी लगाती है कुसुम। कुसुम थोड़ा सा पीछे बैठना, दिख नहीं रही है। ये अभी लगाना स्टार्ट करी है इसने मम्मी जी के, फिर इसके बाद मेरा नंबर है। लाइन में बैठे हैं हम। तुम क्यों बैठे हो लाइन में? तुम्हें भी लगानी है मेहंदी? ये देखिए गाइस, मम्मी जी के एक हाथ में मेहंदी पूरी लग चुकी है, और ये बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है मम्मी। और दूसरे हाथ में अभी कुसुम लगा रही हैं। मज़ा आ गया देख के। तो गाइस, फाइनली मम्मी जी के दोनों हाथ में लग गई हैं, और यहाँ पे मम्मी जी ने लिखवाया है पापा का नाम, मिटा दिया मैंने। और अब देखते हैं सुबह ये कैसे लगती है मेहंदी। नहीं देखो कैसे लगती है, ये तो हम देखेंगे सुबह। और अब मेरी बारी आ गई है, अब मैं लगवाती हूँ कुसुम से मेहंदी। वाओ, ये हस्बैंड जी लिखवा रहे हैं कृष्ण जी का नाम, और कुसुम ने कितनी सफाई से, कितनी प्यारी तरीके से लिखा है गाइस, आप देख सकते हैं। वाओ, मज़ा आ गया। जय श्री कृष्णा लिखवाया है इन्होंने अपने हाथ में, और इतना प्यारा लिख रखा है। अभी मैं सुबह आपको दिखाऊँगी कि कैसा लगता है ये, जब ये कलर देगा ना तो बहुत सुंदर लगेगा, मज़ा आ गया। अब आ गई है पूजा की बारी। ऐसा बनाना है पूजा? ये स्टार्ट हो गई, बनाना स्टार्ट। अभी दिखाएंगे हम आपको थोड़ी देर में। तो मम्मी अब देखो और हाथ सजाने में लगी है। आज तो जोशी जी का नाम भी लिख दिया ने, फाइनली गाइस 9 बजे स्टार्ट करी थी, और देखो 10:45 बज गए। आपको दिखाते हैं फाइनल लुक पूजा का। वाओ, अभी मैं बहुत अच्छी लगाती है, मैं इसे वो कर रही हूं ना, पूरा फैला रही हूं इसे। और वो यहां पे मेरा नाम भी है। क्यों है तुम्हारा नाम? तुमने से तो नहीं लिखा रहे हो जी, ब्लर आ रही है, ब्लर आ रही है। नाम भी तो अच्छी तो नहीं आ रहा। यहां पे आएगा ना पूजा में? एमपी अब लो, पास से लो, माना पूजा पास से लो, इसको पास ले जाओ फोन को। सो गाइस, मेहंदी तो मेरी लग चुकी है, और अब हम लोग सो रहे हैं, सुबह मिलते हैं आप लोगों से। तो चलो बाय बाय, गुड नाइट। मम्मी से गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी कल का जो ब्लॉग था वो मैं मॉर्निंग से कंटिन्यू करने जा रही हूँ। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी, सभी लोगों को पता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मेरे और मेरे परिवार की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो कल जो हमने मेहंदी लगाई थी वो कुछ इस तरीके से रची है। बाकी अभी मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, फास्ट भी है मेरा आज। तो चलो पूजा करते हैं, मंदिर में चलते हैं, हस्बैंड जी वहाँ पे पूजा की तैयारी करते हैं, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मैं तो नहाने गई थी तो हस्बैंड जी ने सारी तैयारी कर ली है मंदिर में। अब मैं रेडी होती हूँ ऑफिस के लिए, क्योंकि ऑफिस से आज छुट्टी नहीं है मेरी आज। तो अब मैं ऑफिस के लिए रेडी होती हूँ, मिलते हैं फिर आपसे। सो फ्रेंड्स, मैं ऑफिस के लिए रेडी हो गई थी और अब हम लोग घर से निकलने लग गए हैं ऑफिस के लिए। रास्ते में दिखाते हैं आपको कैसा हो रहा है जन्माष्टमी का रस बाहर। तो चलो चलते हैं। सो दोस्तों, आज का मौसम कुछ इस तरीके से हो रखा है, इतना बढ़िया हो रहा है मौसम और लग रहा है कि बारिश होगी दिन में। अब देखते हैं होती है या नहीं होती है। ये आ गया शिव मंदिर, जय भोलेनाथ। अरे तुमने भी तो कृष्ण जी का नाम लिखवाया था, दिखाना जरा कैसी लगी। अरे वाह। सो दोस्तों, मैं ऑफिस पहुंच गई हूँ, अब मिलते हैं आप लोगों से शाम को। बाय बाय। तो गाइस, पूजा की हो रही है, खाने की तैयारी। आज भूख भी लग रही होगी, बहुत बढ़ता है क्योंकि पूजा का। जल्दी जल्दी बनाओ पूजा। मेरा क्या है, मैं तो सुबह से ही खा रहा हूँ, तुम्हें भूख लग रही होगी। इधर को आना, वाह, सेट पड़ना। इधर को आओ, इधर को। छोले बन रहे हैं। और रायता भी मैं बना चुकी हूँ, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। गाइस अभी हालत देखो कैसी लगी है। सो गाइस, फाइनली मैं छोले चढ़ा के अभी बैठी हूँ और अब मैं जा रही थी जैसी मंदिर की ओर को, वैसे लाइट चली गई है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर चलते हैं मंदिर की ओर को, फिर करते हैं पूजा पाठ, दिखाते हैं आप लोगों को भी। सो गाइस, फाइनली आ गई है लाइट, तो अब मैं करती हूँ पूजा। Thank you.
गाइस फाइनली हमारी पूजा हो गई है और ये प्रसाद मम्मी जी लोगों को सबको देती हूँ मैं, उसके बाद बनाती हूँ खाना, फिर दिखाती हूँ आपको आज क्या क्या बनाया है स्पेशल खाने में। आज आए हमारे घर में मेहमान मौसी हमारी मोना भी आई है। सो गाइस ये बन चुका है हमारा रायता बूंदी का, जो कि मैंने आज बूंदी का बनाया है। और ये बन गई है हमारी खीर, इधर से ये बन गई हमारी खीर। और छोले तो हमने आपको दिखाई दिए, बाकी पूरी बनाने रह गए हैं, वो हम अभी बनाते हैं। सुन कर देना तुम आगे वीडियो से। सो गाइज हमने खाना वगैरह तो खा लिया है, अब हम लोग सोने जा रहे हैं। आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग पे, नेक्स्ट वीडियो पे। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।